हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफ आर लुईस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एफ आर लुईस एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक है, अर्ली टू मिडनाइट सेंचुरी के। इनका फुल नेम है फ्रैंक रेमंड लुईस। इनका बर्थ होता है 14 जुलाई 1895 को, डेथ होती है 14 अप्रैल 1978 को इनकी डेथ होती है। तो ये कैम्ब्रिज में इनका बर्थ होता है 1895 में। अबाउट अ डेकेड आफ्टर टीएस एलियट, जेम्स जॉयस, डीएच लॉरेंस एंड एज्रा पाउंड, लिटरेरी फिगर्स हुज रेपुटेशन ही वुड लेटर कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग। तो जो लिटरेरी फिगर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं, तो जैसे टी एस एलियट है, जेम्स जॉयस ही है, डी एच लॉरेंस, एज्रा पाउंड है, इनके डेकेड से एक डेकेड बाद, यानी कि डेकेड्स क्या होता है, 10 ईयर्स के पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं, उनके डेकेड के बाद लिटरेरी फिगर में ये इन्होंने भी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना ली थी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लिश लिटरेचर को। तो इनके फादर का नेम देख लेते हैं, हैरी लुईस था, जो एक कल्चर्ड मैन थे। उनके इनके फादर के एक शॉप थी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप थी, और इनको ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, और इन्हीं की वजह से लुईस को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। लुईस वॉज एजुकेटेड एट अ फी पेइंग इंडिपेंडेंट स्कूल, अ माइनर स्कूल। तो ये इनको एक फी पेइंग स्कूल में इन्होंने एजुकेशन गेन की है। लुईस वॉज 19 साल के थे जब ब्रिटेन ने जर्मनी पे 1914 को युद्ध, यानी कि वॉर डिक्लेयर कर दी थी। 1914 को अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होती है और ये 4 ईयर तक चलती है, 1919 तक। तो ही लेफ्ट द कैम्ब्रिज, तो इन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया, लुईस ने कैम्ब्रिज छोड़ दिया। देन फिर इन्होंने फर्स्ट ईयर एज एन अंडर ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे, तो इन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ दिया और इन्होंने एम्बुलेंस यूनिट जो यॉर्क में थी 1915 में, वहाँ को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। हिज वॉर टाइम एक्सपीरियंस हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन हिम। जो वॉर टाइम एक्सपीरियंस है इनका, जो वो इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है इन पे, जो वॉर के टाइम इन्होंने क्योंकि आँखों से देखा था, सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, वो सबका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है और इनके वर्क्स पे भी हमें वो दिखने को मिलता है। इन 1929 लुईस मैरिज कर लेती हैं अपनी एक स्टूडेंट के, क्वीन रोथ के साथ। तो ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, बहुत ही प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन, प्रोडक्ट क्रिटिकल वर्क में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही अच्छे वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों मिलकर। 1931 में लुईस को एक डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ इन इंग्लिश अपॉइंट किया जाता है डॉनिंग कॉलेज में। यहाँ पे ये 30 ईयर तक ये टीच करते हैं। न्यू अपेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, ये इनका फर्स्ट मेजर वॉल्यूम था क्रिटिसिज्म में लुईस का, जो इन्होंने पब्लिश करवाया है, एंड इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हिज ऑन क्रिटिकल पोजीशन। और ये प्रोवाइड करता है इनके अपने ही क्रिटिकल पोजीशन को, ये वर्क इनका पता करता है, प्रेजेंट करता है। 1933 को लुईस पब्लिश करते हैं फोर कॉन्टीन्यूटी, विच वाज अ सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी एसेस। ये जो ये स्क्रूटनी एसेस के लिए ये सिलेक्ट हो जाता है, ये फोर कॉन्टीन्यूटी, द कॉमन परस्यूट अनदर कलेक्शन ऑफ हिज एसेस। तो ये एक द कॉमन परस्यूट, ये एक और कलेक्शन है एसेस का जो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट होता है, ये पब्लिश होता है 1952 को। तो इनके फाइनल वॉल्यूम्स कौन कौन से क्रिटिसिज्म में वर, ये है नॉट शैल माई सॉट 1972, द लिविंग प्रिंसिपल 1975, एंड थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। दीज आर फाइनल वर्क्स बाई
लेविस, एफर लेविस। लेविस की डेथ हो जाती है 1978 को, 82 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं, ये बर्थ होता है इनका July 14, 1895 को कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में, ये डेथ होती है इनकी April 14 को 1978 में 82 की एज में कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में। बर्थ और डेथ इनकी एक ही प्लेस पर होती है। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द ग्रेट एडिशन, न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, तो ये आपने याद रखने हैं, द ग्रेट एडिशन न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। तो ये इन्होंने एक टर्म कॉइंड की थी, फाउंड की थी, स्क्रूटनी, ये फाउंडर हैं इस टर्म के, स्क्रूटनी के। तो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, द ग्रेट एडिशन जो 1948 में आई ये बुक, द कॉमन परस्यूट 1963, न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री 1932, डिकिन्स द नॉवलिस्ट 1970, D.H. Lawrence novelist 1930, Education and the University 1943, Two Cultures, ये है 1962 में, F.R. Lewis की बुक है ये भी, Nor Shall My Sword 1972, Revaluation Tradition, ये भी है 1936, ये अ सेलेक्शन फ्रॉम सिक्रियोटिनी 1968, द क्रिटिक एज एंटी फिलोसफर, देन इंग्लिश लिटरेचर इन आर टाइम एंड द यूनिवर्सिटी 1969। दिस इज ऑल अबाउट एफ आर लेविस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक अबाउट एफ आर लेविस, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching. God bless you all.